वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हो फिल्मी ट्रैक से कुछ बातें। सो गाइस, इस बार क्या वापस से 2024 में वो दौर आने वाला है जब बॉलीवुड पूरा सुपड़ा साफ हो चुका था उसका ए टू जेड, मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि मूवी रिलीज होगी नहीं होगी, अब करेंगे नहीं करेंगे, मूवी आएगी भी कभी, वैसा ही दौर वापस देखने को मिल रहा है कि क्या बॉलीवुड की नैया 2023 में जो तैरी थी अच्छी खासी वो वापस से डूबने लगी है। आपको पता है कि 2023 में बॉलीवुड की ऐसी कई सारी मूवीज आई जिसने छप्पड़ फाड़ कमाई की, 500 करोड़ से ऊपर ही मारे शॉट। वहीं पर अब हम वापस 2024 में देख रहे हैं कि वापस से मूवीज का वही हाल हो रहा है। अब इवन अभी मूवीज आने आ भी नहीं रही है, काफी सारी मूवीज नहीं आ रही है, और जो आ रही है वो 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। ऐसी काफ़ी सारी मूवीज आप देख लो, बड़ी बड़ी जो मूवी आई है बॉलीवुड में अभी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान, इन बड़ी बड़ी मूवीज़ ने 100 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं किया। तो क्या वापस से नैया डूबती हुई नज़र आ रही है बॉलीवुड की? और भी ऐसी कई सारी मूवीज़ है जो 100 करोड़ के आंकड़े तक को नहीं पहुँच पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है बॉलीवुड के लिए। वहीं पर आप साउथ को देखो तो एक से बढ़कर एक धमाके कलेक्शन कर रहे हैं अभी भी। बॉलीवुड की जबरदस्त जोड़ी सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन, ये लोग भी वो कमाल नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, जिस हिसाब से मूवी को बनाया गया था फाइटर को, वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो फ्लॉप ही बोल सकते हो, उसका जो कलेक्शन है वो खास नहीं रहा। मूवीज रिलीज की बात की जाए तो अप्रैल में तो नाम मात्र की कोई मूवीज आई है, और लेकिन अब जो मई में आई है राजकुमार राव मूवी की श्रीकांत, इसने कुछ ज्यादा इतना बड़ा वो नहीं करा कुछ उगाड़ा, लेकिन हाँ ऐसा है कि अच्छी खासी चल रही है बीमारी वाली मूवी जो श्रीकांत मूवी, अच्छा खासा लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन अब जो रीजनल मूवीज आने वाली जिससे थोड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है वो तीन मूवी के बारे में आपको बताता हूँ, चंदू चैंपियन, सरफिरा और तीसरे नंबर पर है औरों में कहां दम था। ये तीन मूवीज है जो अभी जिसका टीजर वगैरह कुछ आ सकता है और आने वाला है इवन। उसके बाद चंदू चैंपियन की बात करें जिसमें मैन है अपने कार्तिक आर्यन, ये 14 जून को आने वाला है, इसका टीजर ऐसा बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो टीजर है वो सेंसर बोर्ड को वो भेज दिया गया है, और इस मूवी से अच्छी खासी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर देगी, और ये आंकड़ा इनकी मेकर्स के लिए भी और चंदू चैंपियन यानी कि आर्यन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बॉलीवुड के लिए अभी के समय में, क्योंकि ये जरूरी इसलिए कि अभी आपको बताया कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ जैसे मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिनका बजट बिग था, बड़ा बजट था, उसके बाद भी ये घुटनों के बल बैठ गई। इसके बाद अगर कोई मूवी आती है जो अच्छा खासा कलेक्शन करती, 100 करोड़ को टच करती, अगर कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन, तो बॉलीवुड वापस थोड़ा सा ऊपर दिखने लगेगा, वरना पहले वाला दौर सामने आने वाला है धीरे धीरे अगर कोई मूवी नहीं चलती है तो। बाकी अब औरों में कहां दम था और सरफिरा, इन दोनों का पोस्टर वगैरह तो आ गया है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार एक बार और बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं कि जो सूर्या की पौत्र मूवी है उसका रीमेक किए हैं सरफिरा अक्षय कुमार, और आपको पता कि रीमेक मूवीज का चलने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, और रीमेक चलती तो सिर्फ अजय देवगन की, वो सब लोगों को पता है कि उनका काम करने का डेडिकेशन सब अलग है, वैसे काम अक्षय कुमार का भी हाई लेवल का होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार लोगों के सामने आ रहे हैं तो इतना जल्दी मतलब उनका गेम डाउन होने को दिख रहा है। वैसे ये मूवी चलती है नहीं चलती ये इसकी स्टोरी पर ही पता चलेगा ना आगे, जो अभी पोस्टर वगैरह आएगा, ये 12 जुलाई को रिलीज हो रही है मूवी। वहीं पर इससे पहले 5 जुलाई को आ रहा है औरों में कहां दम था अजय देवगन, अब इन दोनों की भिड़ंत वापस होने वाली है, और इसी के साथ और भी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, और इसके ही कुछ टाइम बाद में कल की भी आ रही है, और कल की जब आएगी तो क्या अक्षय कुमार की रीमेक मूवी चल पाएगी, क्योंकि जब इतनी सारी मूवी सामने खड़ी रहेगी जिसमें औरों में कहां दम था, ये इधर सरफिरा मूवी, उधर चलो तो कल की, ये सब मूवीज आएगी तो क्या ये छोटी मोटी मूवी चल पाएगी? आप वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अगस्त में पुष्पा आ रहा है, पुष्पा टू द रूट, जो कि एक अलग ही लेवल की हाइप बना के रखा है। आपको क्या लगता है कि अब कौन इस गर्त से बाहर निकालेगा बॉलीवुड को वापस से, क्योंकि 2023 तो बिल्कुल ब्राइट था बॉलीवुड के लिए, लेकिन 2024 थोड़ा सा डार्क लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अब कौन बचाने वाला है वापस से बॉलीवुड को? तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं, बाय बाय।